हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट टू करेंगे। जो आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन से जो है वो टॉप आपके क्वेश्चंस है। हमने ब्लड रिलेशन में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी और जब रिलेशनशिप का कंसेप्ट पढ़ाया था तब भी कहा था कि इसमें हमें दो चीज़ें जो है ध्यान रखनी है कि हमें जो है यहाँ पर फैमिली ट्री बनाना होता है और हमने साथ साथ जेंडर देखना होता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है और इनका जनरेशन गैप भी देखना होता है। ठीक है, कौन ग्रैंडफादर है कौन पेरेंट्स है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अपनी डायग्राम भी जो है वैसे ही बनाए कि इसमें कभी भी आपको गलती ना हो, कभी भी आपको मिटाना ना पड़े। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और इन तीन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देंगे। स्टेटमेंट क्या है? डी इज डॉटर ऑफ एन। हमारे पास जो है वो डी है दिया गया और ये कहा गया है जो डी है वो डॉटर है। तो डॉटर जब भी होगा, जो फीमेल होगी इसके लिए हम सर्कल का यूज करेंगे, जो मेल होगा उसके लिए हम स्क्वायर का यूज करेंगे। तो डी क्या है? डॉटर है या फीमेल है, इसलिए हम इसको सर्कल में बंद करेंगे। किसकी डॉटर है? ये एन की डॉटर है। अब एन का क्या हमें जेंडर पता है? नहीं पता है। आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ई इज वाइफ ऑफ एन। जो ई है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है? एन की। तो एन और ई की हम शादी करा देंगे। अब बोला गया ई वाइफ है, मतलब ई का जेंडर पता चल गया। और इस स्टेटमेंट से ई इज वाइफ ऑफ एन से हमें दो बातें पता चलती है। पहली कि ई का जेंडर जो है वो क्या है, वो फीमेल है और नेचुरली सी जो फीमेल होगी इसकी जो मैरिज होगी वो मेल से ही होगी, मतलब एन जो होगा वो मेल होगा। ठीक है, तो एन मेल है, ई जो है वो फीमेल है। आगे जी इज सिस्टर ऑफ डी। डी की बहन जो है वो कौन है? वो जी है। तो जी भी जो है वो इसकी बहन है। इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं होगा क्योंकि ये सिबलिंग्स है। इनके बीच में मैरिज का सिंबल हमने प्लस डिनोट किया हुआ है। जी इज सिस्टर ऑफ डी, वो हमने कर लिया। आगे सी इज मैरिड टू जी। जो सी है उसने डी से शादी की हुई है। अब सी और डी की हम मैरिज कराएंगे। डी तो फीमेल है तो सी जो होगा वो क्या होगा? वो मेल होगा। सी इज मैरिड टू जी, सॉरी सी इज मैरिड टू जी है। तो सी हमारे पास है, ये मेल होगा और इसकी शादी हमने जी से करा दी। अब कहा गया है एन हैज नो सन। तो एन का कोई भी बेटा नहीं है, मतलब जी और डी जो है वो उसकी डॉटर्स हैं। के इज द मदर ऑफ ई। ई की मदर जो है वो के है, तो हम इसे ऊपर बना देंगे। ई की मदर जो है वो के है। क्यू इज ओनली डॉटर ऑफ सी। सी की इकलौती बेटी है और वो कौन है? वो हमारी क्यू है। तो यहां पर जो है वो क्यू बना देंगे। तो आपकी फैमिली ट्री जो है वो बन चुका है और अब हम आंसर जो है वो दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डी। जो क्यू है वो डी से कैसे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन में दे देता हूं। क्यू जो है क्या वो डॉटर है डी की? ठीक है, क्यू और डी का हमें रिलेशन देखना है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है। क्यू क्या लगता है डी का? ठीक है, पहली बात क्यू जो है वो एक फीमेल है, डी भी जो है वो एक फीमेल है। तो क्यू क्या इसकी डॉटर है, क्या इसकी कजन है, क्या सिस्टर इन लॉ है? हम जानते हैं क्यू की, क्यू का फादर जो है वो सी है और सी और क्यू की मदर जो है वो जी है और मदर की बहन जो यानी खाला वो डी है। तो क्यू क्या लगती है डी की, वो क्या लगेगी? वो नीस लगेगी। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो नीस होगा, भतीजी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ एन इज रिलेटेड टू के। एन जो है वो के से जो है, इस के से कैसे रिलेटेड है? अब देखिए के की बेटी ई है और ई का हस्बैंड एन है, मतलब जो एन है वो के का दामाद है। तो क्या आएगा? सन इन ला होगा। ठीक है, सन इन ला होगा। तीसरा देख लेते हैं, हाउ मैनी डॉटर्स एन है। एन की कितनी बेटियां हैं? तो डी और जी जो है वो टू डॉटर्स है। तो ये आपका आंसर हो गया। होपफुली जो है आपको क्लियर हो गया होगा ये अपना रिलेशनशिप का कंसेप्ट। आपके पास एक ही क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसमें से एक ही पूछी जा सकती है स्टेटमेंट, ये दो भी पूछे जा सकते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, आपको यही समझना है कि हमको फैमिली ट्री कैसे बनाना है और दिए गए ऑप्शंस में से को कैसे जो है अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड।
तो डायरेक्शन टेस्ट का जो है आपको बेसिक कंसेप्ट जो है मालूम है। हमें क्या करना होता है कि ये हमारी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इसके अपोजिट में साउथ होती है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। आपको या तो डिस्टेंस पूछा जाता है इसमें, या तो इनके बीच में कहीं एंगल पूछा जाता है, या सिंपल से जो है पूछा जाएगा कौन सी डायरेक्शन, कोई सा पॉइंट दिया गया होगा, सपोज ये एक पॉइंट है तो ये किस डायरेक्शन में होगा। तो आप जानते हैं ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इसके बीच का पॉइंट क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। ये दो पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ईस्ट और साउथ में होगा। अब ये पॉइंट किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। इसी तरीके के जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखेंगे स्टेटमेंट पढ़ के, हमें एक डायग्राम बनानी पड़ेगी और डायग्राम साफ से बनाएंगे ताकि हम क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे सके। पॉइंट पढ़ेंगे, बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ ए। सबसे पहले हमें कहीं ए पॉइंट बना देना है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा जो है वो पॉइंट नंबर ए है, और बोला गया है बी जो है वो कितने मीटर है, 25 मीटर है। तो यहां पर हमारा पास बी पॉइंट होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट हमारा बी होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर का है। आगे कहा गया है सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी। सी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना है, 10 मीटर है, ये हमारा जो हो गया सी हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सी है, सी जो है वो कितना है, 10 मीटर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। अब जी डी जो है वो 30 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, नॉर्थ क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन होगी, ये 25 मीटर है तो इससे थोड़ा ऊपर होगा क्योंकि हमें 30 मीटर पे जाना है। तो हम जो है यहां तक अगर जाते हैं तो ये हमारा पॉइंट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, वो डी पॉइंट होगा, डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। अब बोला गया है ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ डी। अब ईस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली वेस्ट होगी, हमने ईस्ट जाना है, कितना जाना है, 7 मीटर ईस्ट जाना है। तो हम यहां से जो है 7 मीटर अगर ईस्ट जाएंगे कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारे पास पहुंच गया 7 मीटर ईस्ट, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ई। अब कहा गया है एक्स इज 18 मीटर साउथ ऑफ ई। एक्स यहां से 18 मीटर है तो हम 18 मीटर जाएंगे, तो सपोज 18 मीटर यहां से लेट सपोज यहां तक होगा, ठीक है 18 मीटर है। अब आपको ये जो है मेजर नहीं करना है, बस एक जर्नल आपको डायग्राम ठीक से बनाना है डायमेंशंस को एज्यूम कर कर, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट था वो कौन सा था, एक्स पॉइंट था। फिर कहा गया है एम इज 12 मीटर साउथ ऑफ एक्स। एम जो है एक्स के जो है 12 मीटर दूरी पे है, 12 मीटर दूरी पे है, तो ये एम हो गया। अब देख लीजिए कितनी दूरी पे है, 12 मीटर है, तो M हमने जो है बना लिया, और हमें यहां से D से लेकर C तक जो डिस्टेंस था वो कितना था, 30 मीटर का था जो दिया गया था। अब हमें बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट C इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ M। ये C ऑलरेडी इधर है और M इधर है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो हमें पता है 7 मीटर है। अब हम इन चार क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि स्पेस नहीं थी। बी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डी। देखिए बी की डायरेक्शन पूछी है पॉइंट डी से, ये हमारे पास पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है, तो बी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डी। तो हम देखते हैं ये हमारे पास पॉइंट डी है और बी पॉइंट कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो इन ये हमारे पास जो है वो नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो ये कहाँ पर पड़ रहा है, इस जगह पड़ रहा है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ पॉइंट W इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट A। यहां पर A से 3 मीटर की ऊपर जाएंगे, 3 मीटर की दूरी पे जाएंगे, तो हमारे पास पॉइंट जो होगा वो W होगा, कितनी मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड W। अब B और W में कितना डिस्टेंस होगा, तो B और W के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर प्लस 3 मीटर जो कि कितना होगा, 28 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड M। ये B है और ये M है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें देखना है। B से लेके तो हमारे पास शुरू में दिया गया था कितना, 10 मीटर था, ये यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस अभी हमने निकाला ऊपर 7 मीटर था, तो 10 प्लस जो होगा वो 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 मीटर होगा, तो ये आपका आंसर होगा।
तो देखिए, जब हम डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, क्लियर डायग्राम बनाएंगे, तो क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। बस आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़नी है, उसे रिपीट नहीं करना। रिपीट जितनी बार करेंगे तो गलती होगी, एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ साथ डायग्राम बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये हमारे नंबर सीरीज के टॉपिक में से है। हमने सीरीज देखनी है और इनके पीछे का लॉजिक देखना है और जो भी इसमें मिसिंग नंबर दिया गया है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 120 हमारे पास है, 24 है, 6 है, 2 है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है और 1 है। आपने जब सीरीज को देखा तो आपका एक लॉजिक क्लियर हो गया कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, नंबर कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब हमें ये लॉजिक देखना है, जब डिक्रीज होता है तब हम डिवाइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, अब सबसे आसान डिवाइड इसमें कौन सा होगा, 6 और 2 को करना, कि 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। तो मतलब हमें 3 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, तो यहीं पर हम देखेंगे 6 4 जार होगा। तो 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 होगा। इसका मतलब 24 × 5, इधर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 120 को 5 से डिवाइड करेंगे 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। अब जो अगली टर्म होगी इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और आगे 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो भी जो हमारे पास आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारे पास 2 4 11 है, 2 है, 4 है, 11 है, 37 है, यहाँ पर क्या आएगा हमें निकालना है, वो 771 है। आप देखेंगे नंबर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। क्या एडिशन होगा हम चेक करेंगे, 2 से आप देखेंगे 37 और 771 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ज़रूर मल्टीप्लिकेशन होगा। और हम मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान जो है वो स्टार्ट करेंगे शुरू से। तो 2 क्या हज़ार होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई जो होगा वो 2 जो होगा वो 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होगा, बट उसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो ये हम ऐसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 जो होगा वो 2 होगा, और प्लस जो होगा 2 वो 4 के बराबर होगा। अब 4 में हमें क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होगा, और 8 में हम 3 करेंगे ऐड तो 11 होगा। 11 और 37 के बीच में सोचेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1 फिर 2 फिर 3, 11 थ्री ज़ार 33 होगा, और प्लस जो होगा वो 4 होगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमने प्लस 2 किया, प्लस 3, प्लस 4, और अगली जो टर्म होगी मल्टीप्लाई बाई 4 होगा और प्लस जो होगा वो 5 होगा। तो 37 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 148 आएगा, और इसमें हम प्लस 5 करेंगे तो 148 प्लस 5 जो होगा वो 153 होता है। तो आपका इधर जो आएगा वो क्या होगा, 153 होगा। उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे, यहाँ पर 124 है, 122 है, 127 है, 117 है, 134 है, और इसमें आगे जो होगा नेक्स्ट टर्म जो पूछी गई होगी। तो 124 और ये अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर सीरीज डिक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है, तो ज़रूर एक बार प्लस एक बार माइनस जो है वो किया होगा। तो ऐसी सीरीज में जो है मल्टीप्लिकेशन तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऐसी सीरीज में हमें ज़रूर जो है वो डिफरेंस ही निकालना होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस -2 का होगा, यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो प्लस जो है वो 5 का होगा, यहाँ पर डिफरेंस -10 का होगा, यहाँ पर डिफरेंस जो होगा +10 का होगा, सॉरी प्लस यहाँ पर 10 + 3 और 7 और 17 का होगा। और आगे हमें देखना है इधर कौन सी टर्म होगी। अब इस डिफरेंस से क्या कोई लॉजिक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अगर हम देखेंगे 2 5 10 17 तो कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो जब नहीं आता है तो आपको सेकंड स्टेप करना होता है, और सेकंड स्टेप में जब हम डिफरेंस लेंगे, 2 और 5 का डिफरेंस 3 होगा, 10 और 5 का जो डिफरेंस होगा 5 होगा, 17 और 10 का 7 होगा।
अब आपको एक लॉजिक क्लियर हो गया, ये जो नंबर है 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 9 होता है, मतलब 17 प्लस जो 9 होगा वो अपन जानते हैं 17 में अगर हम 9 जमा करेंगे तो 26 होगा, और 134 में हमें 26 ऐड करना होगा तो कितना हो जाएगा 160 होगा, और आपका जो आंसर होगा वो भी जो है वो 160 ही होगा। सॉरी बट यहाँ पर प्लस है तो अब माइनस करना होगा, याद रखना ये तो गलती हो गई थी। तो यहाँ पर 134 में से 26 माइनस करेंगे तो 108 होगा, क्योंकि सीरीज अल्टरनेटिंग थी, एक बार माइनस एक बार प्लस, प्लस माइनस था। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स जो है नहीं होनी चाहिए। अब पूरा लॉजिक समझ के भी जो जैसे यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी इस चीज़ से भी आपको बचना है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, 6 है, 5 है, 6 है, 10 है, और नेक्स्ट टर्म हमें देखनी है कि अगली टर्म क्या होगी। तो देखिए 6 के बाद डिक्रीज हो चुका है, फिर से इंक्रीज और फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी सीरीज में मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी जब नंबर सीरीज पढ़े थे कि इसमें जो है ज़रूर मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे ठीक है तो 6 होगा, फिर माइनस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, और यहीं पर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होगा, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 12, और माइनस जो होगा वो हम 2 करेंगे ठीक है तो 10 मिलेगा, और फिर जो अगली टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय जो होगा वो 2 होगा ठीक है, और माइनस जो होगा वो 2 होगा ठीक है, यहाँ पर 10 मल्टी नहीं प्लस 2 होगा, तो 10 2 जो होगा वो 20 होगा, और प्लस 2 होगा तो यहाँ पर 22 आपका आंसर होगा। एक बार माइनस और प्लस, फिर जो है माइनस और प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, और आपका आंसर निकल गया। होपफुली जो है ये आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़े रहे, जहाँ पर हम आपके लिए PDF या क्विजेज जो भी चीज़ें होती है वो आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम शेयर करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।